शो दैट द लाइन्स इतने इतने आर इंटरसेक्टिंग। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हैंड्स फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी बताना है। तो एक लाइन L1 मान लो, एक क्या ले लो L2, L1, L2, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या मान लो P मान लो। एक लाइन की इक्वेशन तुम्हें दे रखी है R इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लैम्डा i कैप 2j कैप प्लस 2k कैप, और दूसरी लाइन की इक्वेशन दे रखी है अपने को 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 0k कैप, दिया नहीं मैंने लिख दिया है ठीक है, और प्लस म्यू कितना है ये 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप, राइट। अब देखिए ये क्वेश्चन तो गारंटी से आने वाला है, लेकिन इस क्वेश्चन को आप वेक्टर फॉर्म से भी सॉल्व कर सकते हैं, स्केलर से भी कर सकते हैं, और वेक्टर फॉर्म मेरे हिसाब से आप बाउंस कर जाएगी, तो आई वुड रिकमेंड कि आप इसको कार्टेशियन फॉर्म से करें। तो पहले इस लाइन L1 का और L2 का कार्टेशियन फॉर्म निकालिए, बताइए भी कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा। इसमें पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, 3, 2, 4, तो ये हो जाएगा x माइनस 3, y माइनस 2 और z माइनस माइनस 4, तो कितना हो जाएगा प्लस 4। इसके जो पैरेलल वेक्टर है उसके डायरेक्शन रेशियोज़ क्या है, 1, 2, 2, 1, 2, 2। चलिए L2 का कार्टेशियन फॉर्म निकालिए, तो ये कितना है 5 माइनस 2 0, तो x माइनस 5 y माइनस माइनस प्लस 2 और z माइनस 0, इसके डायरेक्शन रेशियोज़ क्या है 3, 2, 6, 3, 2, 6। इसको लैम्डा ले लो, इसको क्या ले लो म्यू ले लो, ठीक है बात वही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कार्टेशियन फॉर्म से आपको जल्दी से अच्छे से समझ में आया तो ज़्यादा बेटर है। अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, ये कंडीशन बताने की इंटरसेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो L1 के जनरल पॉइंट निकालूंगा, L2 का जनरल पॉइंट निकालूंगा, और मैं बोलूंगा कि अगर ये इंटरसेक्ट करते हैं तो दोनों जनरल पॉइंट क्या करना चाहिए, कोइंसाइड करना चाहिए। अब कोइंसाइड का मतलब क्या है, x क्वाड्रेंट x के बराबर रखूंगा, y y के बराबर रखूंगा, उससे लैम्डा म्यू की वैल्यू निकाल कर z क्वाड्रेंट में रखकर देखूंगा कि अगर लेफ्ट और राइट बराबर आ गए तो ये इंटरसेक्टिंग होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी, ये कंडीशन है। तो सबसे पहले जनरल क्वाड्रेंट ऑफ लाइन L1 बताइए क्या आएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करो, लैम्डा ये माइनस का है उधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का, तो x इज इक्वल टू लैम्डा प्लस 3। वाई निकालो, वाई कैसे निकालेंगे, 2 लैम्डा ये माइनस है उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। z निकालिए, z कैसे निकालेंगे, 2 लैम्डा ये प्लस है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ये इसके जनरल कोऑर्डिनेट हो गए एक्स वाई जेड। अब इसी तरह हम किसके निकालेंगे, L2 के, लिख लेंगे जनरल कोऑर्डिनेट ऑफ लाइन L2। बताइए x क्या होगा, 3 म्यू ये माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा। y निकालिए, 2 म्यू प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा। z निकालिए कितना हो जाएगा, 6 म्यू, है ना। नाउ इफ L1 एंड L2 इंटरसेक्ट देन देयर कोऑर्डिनेट्स कोइंसाइड, देयर कोऑर्डिनेट कोइंसाइड या ओवरलैप, ओवरलैप देन क्या लिखेंगे, इसे हटा देता हूँ मैं, ठीक है। देन एक्स कोऑर्डिनेट एक्स के बराबर कर दीजिए, तो एक्स कोऑर्डिनेट कौन है, लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू किसके बराबर, 3 म्यू प्लस 5, राइट। वाई कोऑर्डिनेट वाई के बराबर कर दीजिए, तो 2 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 2 म्यू माइनस 2, राइट। जेड कोऑर्डिनेट जेड के बराबर कर दीजिए, तो 2 लैम्डा माइनस 4, 2 लैम्डा माइनस 4 इक्वल टू किसके बराबर, 6 म्यू के बराबर। अब इन दोनों को सॉल्व करके लैम्डा म्यू की वैल्यू निकालूंगा मैं, फिर उसके बाद लैम्डा म्यू की वैल्यू यहां रखने से अगर ये लेफ्ट और राइट बराबर आ गए तो ये इंटरसेक्ट करेगा, अदरवाइज इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो यहां से सॉल्व कर लीजिए, लैम्डा माइनस 3 म्यू इज इक्वल टू 5 माइनस 3, तो लैम्डा माइनस 3 म्यू इज इक्वल टू 2, इक्वेशन फर्स्ट। 2 लैम्डा माइनस 2 म्यू इक्वल टू माइनस 2 माइनस 2, 2 कॉमन ले लो, तो लैम्डा माइनस म्यू इक्वल टू माइनस 4, तो लैम्डा माइनस म्यू इक्वल टू माइनस 2, कट जाएगा ये, राइट। इक्वेशन सेकंड, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड लिख लेंगे,
बताइए भाई, माइनस प्लस प्लस ये कट गया, तो ये माइनस का टू म्यू इक्वल टू फोर, तो म्यू इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का टू आएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे ना, माइनस का कितना आएगा टू, ये वैल्यू इसमें रख दीजिए, लैम्डा माइनस म्यू इज इक्वल टू माइनस टू, तो ये हो गया लैम्डा माइनस माइनस टू इज इक्वल टू माइनस टू, तो ये हो गया लैम्डा माइनस माइनस प्लस टू इज इक्वल टू माइनस टू, तो लैम्डा इज इक्वल टू माइनस टू माइनस टू, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस फोर, है ना। इफ दीज लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग देन दीज वैल्यूज विल सेटिस्फाई द जेड कोऑर्डिनेट, तो बताइए भाई टू इंटू लैम्डा की जगह कितना माइनस फोर और म्यू की जगह कितना माइनस टू, तो माइनस एट माइनस फोर इज इक्वल टू माइनस ट्वेल्व, तो माइनस ट्वेल्व इक्वल टू माइनस ट्वेल्व, तो क्या लिखेंगे सेटिस्फाइड, सो देयरफॉर एल वन एंड एल टू आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स, कौन सी लाइन्स हैं ये इंटर, मुझे तो सबसे बढ़िया कंडीशन यही लगती है इंटरसेक्टिंग लाइन्स को प्रूव करने की, है ना। अब उसने पूछा है कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी बताइए, तो ये जो पॉइंट है ना ये वाला चाहे ये वाला, इसमें किसी में भी जा तो लैम्डा रख के निकाल लें या फिर म्यू रख के निकाल लें, तो मेरे हिसाब से म्यू निकाल लो, तो बताइए भाई एक्स क्या होगा, थ्री म्यू प्लस फाइव, थ्री म्यू प्लस फाइव, म्यू की जगह माइनस टू, तो माइनस सिक्स प्लस वन तो इक्वल टू माइनस वन, तो एक्स क्वाड्रेंट माइनस वन आ गया, राइट। वाई क्वाड्रेंट निकालिए, वाई क्वाड्रेंट क्या टू म्यू माइनस टू, म्यू की जगह माइनस टू लगाइए, तो माइनस टू टू या फोर माइनस टू, तो ये माइनस सिक्स आ गया। जेड क्वाड्रेंट कितना है सिक्स म्यू, सिक्स म्यू, म्यू की जगह माइनस टू लगाइए, तो माइनस का कितना आ गया ट्वेल्व आ गया, तो ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए माइनस वन माइनस सिक्स माइनस ट्वेल्व, माइनस वन माइनस सिक्स माइनस ट्वेल्व, दिस दीज आर द इंटरसेक्टिंग कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, लिख लीजिए इसे, नोट कर लीजिए, देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। और अगर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो या तो डायरेक्ट आपको कार्टेशियन फॉर्म दी गई होगी तो आप ऐसे निकाल लेना, अगर वेक्टर दी है तो पहले कार्टेशियन में चेंज करो तब निकालो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए।